हरे कृष्णा। प्रबोधिनी एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं अथवा थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं, उनका वह पुण्य और भक्ति पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णुलोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को यदि जागरण करें तो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। आगे ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करता है, कलयुग में भगवान नाम का जप ही सर्वोत्तम यज्ञ बताया है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन, भजन, सत्संग आदि करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की आराधना करने से, भगवान को अर्घ देने से इसका फल तीर्थ और कई गुना दान करने से अधिक मिलता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दूर्वा दल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो इस 84 लाख योनियों में आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण व सदाचारी वैष्णव जनों को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इसके पश्चात ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन पुनः उसको ग्रहण करना चाहिए, जिससे उनका व्रत संपूर्ण होता है। अतः उसको ग्रहण करने से पूर्व दान अवश्य दें। और जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत प्रकार का सुख एवं आनंद प्राप्त होता है। उसके बाद यह शरीर छोड़कर वह व्यक्ति भगवान के धाम जाता है। हरे कृष्णा।